ऐसे अंदाज से उसने मुझे बर्बाद किया, कैसे अंदाज से उसने मुझे बर्बाद किया, मेरे पर काट के बोला तुझे आजाद किया। कैसे अंदाज से उसने मुझे बर्बाद किया, मेरे पर काट के बोला तुझे आजाद किया। दोस्तों, ये काव्य गोष्ठी जो चल रही है, ये अपने आप में एक संदेश भी दे रही है, हमारे दिलों में कहीं कुछ बात भी पहुंचा रही है। अब मैं एक कवयित्री को आवाज़ देना चाहता हूं। भाई जी बहुत पुरानी परिचित कवयित्री हैं, रेडियो से पढ़ रही हैं, बरसों से उन्हें सुन रहा हूं, उन्हें जानता हूं। मैं अजंता देव की तरफ ये संकेत दे रहा हूं कि वो मंच पर आएंगी, और आपकी तालियां अगर बजनी है तो पूरी बजा दीजिए, अधूरी मत बजाइए। मंच का और आप सभी उपस्थित लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ये काव्य संध्या शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कि मैं एक अपनी छंद मुक्त कविता और एक नवगीत, ये दो चीज मैं सुनाना चाहूंगी। तो पहली कविता जो मैं सुनाना चाह रही हूँ, ये मेरी थोड़ी पुरानी कविता है। शीर्षक है इसका अभयारण्य। कि कहीं बचाए जा रहे हैं बाघ, हिरण अलग ही कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं सिर्फ चिड़िया रह सकती है। कहीं बचाए जा रहे हैं बाघ, हिरण अलग ही कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं सिर्फ चिड़िया रह सकती है। मगर कौन सा वन सुरक्षित है इंसान के लिए? कहीं कौन सा वन सुरक्षित है इंसान के लिए? कहीं कोई 2 एकड़ जमीन तक नहीं जहां पैर फैलाकर बैठ सके यह प्राणी। रोटी और दाल की नियमित सप्लाई हो तो यह जीव कितना सुंदर लगेगा। बहुत अच्छा है जनता जी, बहुत अच्छा, वाह वाह। हजारों साल पहले सभ्यता गोली की तरह लगी थी इस जीव को, हजारों साल पहले सभ्यता गोली की तरह लगी थी इस जीव को, तब से इसका शिकार जारी है। पहिए पर चढ़कर पहुंचा था धुआं जो आज तक जमा है फेफड़ों में फफूंद की तरह। इसकी आंखों का रंग धूसर हो चला है, रोए झड़ गए, नाखून और दांत भौंतरे पड़ गए। पीठ पर बैठी मक्खी तक उड़ाने को इसे चाहिए हथियार। मच्छर से बचने को त्वचा पर मलना पड़ता है रसायन। हर लिहाज से अब यह अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। यह अब चिल्लाता नहीं, रिरिया रहा है बरसों से। जन्म दर हालांकि ऊंची है, पर मृत्यु दर भी कम नहीं। झुक रही है रीढ़ हर दिन, किसी को भी याद नहीं अंतिम बार कब दिखा था एक मजबूत इंसान। यह भी सबसे पहले वन में ही उत्पन्न हुआ था, प्राकृतिक संतुलन में इसकी भी भागीदारी है। दुर्लभ न सही, खतरे में पड़ी नस्ल को भी चाहिए एक वातावरण। दुर्लभ न सही, पर खतरे में पड़ी नस्ल को भी चाहिए एक वातावरण। अब मैं एक नवगीत सुना रही हूँ। ये हमारा जो राजकीय वृक्ष है खेजड़ी, इस पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा पानी है, सारे दिन धूप है, रेतीली धरती है, सूखे सब कूप है, फिर भी खिल जाता है, खेजड़ी का रूप है। खेजड़ी का रूप है या जादू अनूप है, खेजड़ी का रूप है या जादू अनूप है। कि धरती पर पपड़ी है, पपड़ी में बीज है, धरती में पपड़ी है, पपड़ी में बीज है, मन में है आशा और आशा पर खीज है, मन में है आशा और आशा पर खीज है। कैसी दिवाली और कैसी फिर तीज है, कैसी दिवाली और कैसी फिर तीज है,
सांगरी से भरी हुई फिर भी हर सूप है, खेजड़ी का रूप है या जादू अनूप है, कि धोरे भी पीले हैं पीली है चुनरी, धोरे भी पीले हैं पीली है चुनरी, पीली है आँखें और पीली है रेतरी, पीली है आँखें और पीली है रेतरी, मटियाले खेत और भूरी सी झोंपड़ी, मटियाले खेत और भूरी सी झोंपड़ी, फिर भी हरियाला हर गांव का स्वरूप है, खेजड़ी का रूप है या जादू अनूप है, कि हर दिन की भूख और हर दिन अकाल है, हर दिन की भूख और हर दिन अकाल है, सौ घर में कर्जा और एक घर में माल है, सौ घर में कर्जा और एक घर में माल है, कि सपनों में हांडी और हांडी में दाल है, सपनों में हांडी और हांडी में दाल है, कैसा भी हो लेकिन जीवन अपरूप है, खेजड़ी का रूप है या जादू अनूप है। और अंतिम है, अंतिम छंद है, कि ऊँटों को देती है खेजड़ली छाँव रे, ऊँटों को देती है खेजड़ली छाँव रे, उगती है खेजड़ली फिर उगता गांव रे, उगती है खेजड़ली फिर उगता गांव रे, कि सूरज पर हाथ तेरे धोरों पर पांव रे, सूरज पर हाथ तेरे धोरों पर पांव रे, आदमी की काया में तेरा ही रूप है, आदमी की काया में तेरा ही रूप है, खेजड़ी का रूप है या जादू अनूप है, खेजड़ी का रूप है या जादू अनूप है, खेजड़ी का रूप है या जादू अनूप है। बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार अजंता जी। आपने राजस्थान का जो खाका पेश किया है, चित्रण पेश किया है, मुझे अपने पुराने गीत की लाइन अपने आप याद आने लगी, क्योंकि मैंने तो इंजन की सीटी जैसे गीत को लिख दिया, तो एक पुराने गीत की पंक्तियाँ भाई लोकेश जी याद आ रही हैं कि सारो गाँव छ कुर्बान मारा अलगोजा मारे, तो उसमें एक अंतरा याद आया इनके गीत को सुन करके, कि गाया भैंसा दौड़ी आवे मनड़ो बा को खींचे, गाया भैंसा दौड़ी आवे मनड़ो बा को खींचे और बैठ बजाऊं अलगोजा जद खेजड़ी के नीचे, ये गीत मुझे याद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद अजंता जी, आपने बड़ी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया, बहुत शुक्रिया। ये राजस्थान है, कठे पटेलन रोटी पोवे कठे सिजोवे सोगरो, इस राजस्थान की तो छटाई निराली है। इस राजस्थान में जो एक सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त कवि हमारे सामने बैठे हैं, मेरे बड़े प्रिय कवि हैं और आप सबके बहुत ही बहुत चाहने वाले हैं वो, मैं भाई सवाई सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा पुरस्कार इन्हें मिला है। जो मेरे गीत ये हो रहा था कि टिबड़ियाँ पे घूमर घाले मन की मीरा बावली, तो यह मन की मीरा बावली जब टिबड़ियों पे घूमर घालती है तो क्या कविताएं रची जाती हैं और क्या माहौल बनता है। बहुत ही आदर के साथ मैं सवाई सिंह जी शेखावत साहब का आवाज़ देना चाहता हूँ, पधारें और तालियाँ एक बार ज़रूर बजा दीजिए आप, यूँ खामोश बैठ कर मत सुनिए। स्वागत है आपका। आदरणीय उपस्थित महान भाव, मैं आपके सामने अपनी दो कविताएं पेश कर रहा हूं। पहली कविता का शीर्षक है दिल्ली। कितनी नई है और पुरानी भी यह दिल्ली, हर हमलावर का रुख किए दिल्ली की ओर। कितनी नई है और पुरानी भी यह दिल्ली, हर हमलावर का रुख किए हुए दिल्ली की ओर। जिधर भी दिखें कसी हुई जीन, सजे हुए घुड़सवार, वह रास्ता जाता है दिल्ली की तरफ। जिधर भी दिखें कसी हुई जीन, सजे हुए घुड़सवार, वह रास्ता जाता है दिल्ली की तरफ। हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया था,
अभी दूर है दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया था, अभी दूर है दिल्ली, मुझे मालूम नहीं कोई पहुंचा या नहीं। जो रवाना हुए थे दिल्ली के लिए, इतिहास में एक भी उदाहरण दर्ज नहीं। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया था, अभी दूर है दिल्ली, मुझे मालूम नहीं कोई पहुंचा या नहीं। जो रवाना हुए थे दिल्ली के लिए, इतिहास में एक भी उदाहरण दर्ज नहीं। दिल्ली अपशब्द है दिल्ली नहीं पहुंचने के लिए, दिल्ली अपशब्द है दिल्ली नहीं पहुंचने के लिए, फिर भी हर सुबह आदमी करता है कुछ दिल्ली के लिए। और दूसरी कविता का शीर्षक है, हमारे सुनने का ऐब। हमारे सुनने का ऐब है, हम अक्सर ऊंचा सुनते हैं। हमारे सुनने का ऐब है, हम अक्सर ऊंचा सुनते हैं, नरम मुलायम आवाजों को तवज्जो नहीं देते, जीवन की कोमल तानों को अनसुना करते हैं। जबकि मानुष होने के लिए उनका सुना जाना कितना जरूरी है। हमारे सुनने का बुनियादी ऐब है, हम अक्सर ऊंचा सुनते हैं, नरम मुलायम आवाजों को तवज्जो नहीं देते, जीवन की कोमल तानों को अनसुना करते हैं। जबकि मानुष होने के लिए उनका सुना जाना ज्यादा जरूरी है। सुनने की कोशिश में हम नहीं सुनते मनुष्य की रुलाई, सुनने की कोशिश में हम नहीं सुनते मनुष्य की रुलाई, हम शब्दों की गूंज सुनते हैं या सुनते हैं आक्रामक हंसी, भूतपूर्व सुनते हैं या फिर महान भविष्य में। हमारा सुनना समकाल में नहीं होता। सुनने की कोशिश में हम नहीं सुनते मनुष्य की रुलाई, हम शब्दों की गूंज सुनते हैं या आक्रामक हंसी, भूतपूर्व सुनते हैं या फिर महान भविष्य में। हमारा सुनना समकाल में नहीं होता। याद रखने की जुगत में हम भुलाने को सुनते हैं, ठोस सुनते हैं मगर आड़ा तिरछा, सुधा नहीं सुनते सयानप और बांकपने से रहित। याद रखने की जुगत में हम भुलाने को सुनते हैं, ठोस सुनते हैं मगर आड़ा तिरछा, सुधा नहीं सुनते सयानप और बांकपने से रहित। चुप से बचकर सुनते हैं और एक चीख अक्सर हमें खींच लेती है गुरुत्वाकर्षण की तरह। हमारे सुनने में देश है और दुनिया भी, लेकिन अपने ही मोहल्ले की आवाज नहीं है। हमारे सुनने में देश है और दुनिया भी, लेकिन अपने ही मोहल्ले की आवाज नहीं है। हम हड़बड़ी में सुनते हैं या फिर सतर्क होकर सहज मिली खुशी की तरह नहीं सुनते। हमारे सुनने में देश है और दुनिया भी, लेकिन अपने ही मोहल्ले की आवाज नहीं है। हम अड़बड़ी में सुनते हैं या फिर सतर्क होकर सहज मिली खुशी की तरह नहीं सुनते। हमारे सुनने में शामिल हैं कुछ चुस्त जुमले, हमारे सुनने में शामिल हैं कुछ चुस्त जुमले, सीधी सरल बातें हमें बोधी लगती हैं और दयनीय भी। एक कामयाब चालू आदमी को हम आदरपूर्वक सुनते हैं, एक असफल आदमी को सुनते हैं उपहास की तरह। हमारे सुनने में शामिल हैं कुछ चुस्त जुमले, सीधी सरल बातें हमें बोधी लगती हैं और दयनीय भी। एक कामयाब चालू आदमी को हम आदरपूर्वक सुनते हैं, एक असफल आदमी को सुनते हैं उपहास की तरह। सुनने के विमर्श को लेकर हम कितना ही गंभीर होने का नाट्य करें, अपने तमाम संजीदापन के बावजूद हम सुनते हैं मतलब की या यारी की, जबरे की सुनते हैं या फिर जरदारी की। एक चिंतन, एक मंथन, एक स्तर जो कविताओं का हम सुन रहे थे अभी। और वास्तव में सुनना भी बहुत बड़ी बात है। सुनना जिसको आ गया वो चुप हो जाता है,
बाबूजी चतर सिंह कह रहे हैं कि चुप सुनवारी है नहीं और चुप सुनवारी ना आए, चुप कहवारी है नहीं और चुप सुनवारी ना आए, या चुप समझारी समझ है समझा चुप भय जाए, जो समझ गए वो चुप हो जाते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद शेखर साहब, आपने रचनाओं के स्तर से इस काव्य गोष्ठी को बहुत आगे के मयार तक पहुंचाया। और दिल्ली पे जो बात की है आपने, मुझे एक अपना मतला याद आ गया कि कभी तू देखती अपनी भी हालत काश ऐ दिल्ली, कभी तू देखती अपनी भी हालत काश ऐ दिल्ली, हजारों बार लुटती है तुझे शाबाश ऐ दिल्ली। और अब मैं एक कवित्री को फिर से आवाज़ देना चाहता हूँ। ये एक ऐसी कवित्री हैं जो कवित्री के साथ साथ एक बेहतरीन कथाकार भी हैं और महिला लेखन पर इनका बहुत बड़ा काम भी है, बहुत बड़ा आयोजन भी करती हैं। ये स्पंदन संस्थान के अध्यक्षा भी हैं। मेरा संकेत नीलिमा टिक्कू जी की तरफ है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि नीलिमा जी यहाँ आएँ और आप जितने अच्छी कहानियाँ लिखती हैं, जितने अच्छे संस्मरण लिखती हैं, जितने अच्छी समर्था मैगजीन का संपादन करती हैं, उतनी ही अच्छी आप कविताएं भी करती हैं, ये हमें मालूम है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि नीलिमा जी पधारें और अपनी कविताओं से हमारे श्रोताओं का रसास्वादन करें। श्रीमती नीलिमा टिक्कू। आदरणीय मंच और सभागार में उपस्थित हमारे सभी सुधीजन, सबका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम लोग जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में खुशियां भी आती हैं और गम भी आते हैं और हम कई बातों से आहत भी होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं, लेकिन जो प्रसन्नता के जो हमारे मापदंड होते हैं या प्रसन्नता की जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो उनको हम भूल जाते हैं, लेकिन जिन बातों को हम जो बातें हमें आहत करती हैं वो हमें याद रहती हैं। इसी पर मेरी चंद पंक्तियां हैं। मैंने वक्त बदलते देखा, समय को यूं छलते देखा, जिस आंगन में महके रिश्ते दीवारों में बटते देखा, संबंधों की सुखद छाओं को गरम लू में तपते देखा, स्नेहिल रिश्तों को एक दिन स्वार्थी बन छिटकते देखा, एहसासों के मधुर क्षणों को पल पल यूं बिखरते देखा, मैंने वक्त बदलते देखा। सोए हुए जमीर के संग मुखौटों को चलते देखा, मित्रता का नाटक करते एक दूजे को छलते देखा, पीठ थपथपाते हाथों में एक अदृश्य सा खंजर देखा, गले लगाते इंसानों को मन से बिल्कुल बंजर देखा, मैंने वक्त बदलते देखा। ईमानदारी सच्चाई का चोला लालच के रंग रंगते देखा, बीच सड़क पर लुटती इज्जत तटस्थ भीड़ तंत्र को देखा, मन पर काले धब्बे लेकर उजले तन को चलते देखा, खेती हर मजबूर कृषक को अपनी फसल मसलते देखा, जीवन दाता को बेरहम वक्त में अकाल मौत में मरते देखा, मैंने वक्त बदलते देखा। आभासी दुनिया में रहकर तन्हाई को पलते देखा, विश्वग्राम के युग में मित्रों गांवों को सिमटते देखा, अबोध बच्चियों को कचरे सा झाड़ियों में फिकते देखा, आधी आबादी को अब भी हक की खातिर लड़ते देखा,
मैंने वक्त बदलते देखा। अंग्रेज़ी को आज तलक भी राजवतन पर करते देखा। हिंदी के लेखक को अब भी, जैसा कि अभी कहा गया था यहाँ से, हिंदी के लेखक को अब भी अंग्रेज़ी से कमतर देखा। सब कुछ देखा मित्रों लेकिन एक अजूबा होते देखा। आम आदमी खास हो गया जब जब हुआ इलेक्शन देखा। चुप रहकर जो हक गढ़ता है ऐसे खासे आम को देखा। मैंने वक्त बदलते देखा, समय की ताकत को देखा। एक छोटी सी कविता है बेटियां, क्योंकि हमारी संस्था और हमारा पत्रिका बेटियों को ही समर्पित है। बेटियां, एक मीठा एहसास दिल का करार, शीतल बयार होती हैं बेटियां। रिश्तों की नाजुक फसलों से कटुता के खर पतवार सावधानी से हटाती, अपनेपन के बीज बोती हैं बेटियां। शिक्षित करें इन्हें तो एक सबब होती हैं बेटियां। पीढ़ियों को तारने की कुवत है इनमें घर घर चिराग बन लौ देती हैं बेटियां। अस्मिता की रक्षा हो जल थल नव सेवा स्थल हो, झांसी की रानी सी दिलेर बन उठ खड़ी होती हैं बेटियां। डॉक्टर इंजीनियर व्यवसाय राजनीति की बात हो सशक्त सफल सितारा बन चमकती हैं बेटियां। माँ बनने की प्रकृति प्रदत्त क्षमता इन्हीं में है जन्मने के हक से फिर क्यों महरूम रखी जाती हैं बेटियां। प्रण लेंगी इस कुप्रथा को बदलेंगी बेटियां, आधी आबादी को अब खुद आबाद रखेंगी बेटियां। ठान लें अगर ये तो क्या कुछ कर नहीं सकती, सशक्तता को अपनी पहचान खुदी को बुलंद करेंगी बेटियां। इस धरा पर ईश्वर का नायाब तोहफा है ये खिलखिलाती रहें घरों में, जगमगाती रहें बेटियां। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नीलिमा जी। आपने अपनी कविता के माध्यम से समाज को जिस ढंग से आपने देखा है, इससे पता चलता है कि हमें क्या करना है, किस पथ पर हमें बढ़ना है। आप संबंधों की बात कर रही थी और संबंधों की बात पर मुझे दो पंक्तियाँ ये याद आ रही थीं कि संबंधों की पूंजी लेकर हम निकले बाजार में, लेकिन दुनिया बहुत तेज़ थी, सब कुछ बिका उधार में। ये हमारे संबंधों की स्थिति है। बेटियों का जिक्र उन्होंने बहुत अच्छा किया, चूँकि बेटियां हमारे समाज के धरोहर हैं, हमारे समाज की रौनक हैं, हमारे समाज का नूर हैं, हमारी ज़िंदगी का गुरूर हैं, इसमें कोई शकी नहीं है। और मैं एक दोहा प्रस्तुत कर देता हूँ उनके लिए कि हर बेटी संसार में तभी सुख से सोए, हर बेटी संसार में तभी सुख से सोए कि भ्रूण परीक्षण की जगह हृदय परीक्षण होए। अपने अपने दिलों में झांकिए, पहचानिए, ये बेटियां हमारे समाज की रौनक हैं, इन्हें बचाइए, इन्हें पढ़ाइए, इन्हें ज़िंदगी दीजिए, इन्हें जीने का हौसला दीजिए। मित्रों, ये कवि गोष्ठी अपने उस मकाम तक पहुंच रही है जहां इसको पहुंचना था। मैं आवाज़ देना चाहता हूं हमारे जयपुर के अपने कवि, आपके जाने पहचाने भाई मनोज शर्मा साहब को। मनोज शर्मा साहब यहाँ हमारे बीच हैं, वे हमारे अपने हैं, हमारे राइटर हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारे लेखक हैं, हमारे चिंतक हैं, और बहुत सी खूबियां हैं इनमें। नाम मनोज होना ही अपने आप में खूबियों से भरा हुआ होता है। भाई मनोज शर्मा, नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आज
इतने उजड़े और विद्युतपूर्ण मस्तिष्क वाले लोगों के बीच में मुझे यह अवसर दिया गया है और मैं आभारी हूँ फारूक साहब और वीर सक्सेना अंकल का, जिन्होंने मुझे नर्सरी से, कविता की नर्सरी से एक छोटे पौधा बनने की उस पर आ रहा है उस तक आपने पाला पोसा है। बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करता हूँ छोटी सी बात से। लौ, एक लौ जलती रहती एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, लेकिन बलिदान भी जरूरी होता। तो इसी तरह की बात है लौ कि वृक्ष से झड़ने को तैयार, पीले पड़े पत्ते ने नई कौपल से कहा अच्छा चलता हूं। वृक्ष से झड़ने को तैयार, पीले पड़े पत्ते ने नई कौपल से कहा अच्छा चलता हूं। खूब फलना फूलना हरा भरा रखना वृक्ष को, खूब फलना फूलना हरा भरा रखना वृक्ष को, डब डबाई आंखों से पीली पड़ी पत्ते को नई कौपल ने कहा दादा न जाओ हमें छोड़कर, न जाओ हमें छोड़कर, न जाऊंगा तो मिट्टी के साथ मिलकर तुम्हारा पोषण कैसे करूंगा, न जाऊंगा तो मिट्टी के साथ मिलकर तुम्हारा पोषण कैसे करूंगा, तुम में जीवित रहूंगा ना हमेशा। इतना कह वायु का हाथ थाम पीला पड़ा पत्ता झड़ गया, कौपल की पलक से एक आंसू उसके गाल तक ढलका और सूख गया। दूसरा है, एक प्रयोग है कि एक दृष्टि भ्रम हो जाता है और है भी इस संसार में ही है कि धन कामिनी भूभाग भी सब कर लिया अधिकार में, धन कामिनी भूभाग भी सब कर लिया अधिकार में, और लगता था सब कुछ पा लिया जो प्राप्य था संसार में। धन कामिनी भूभाग भी सब कर लिया अधिकार में, लगता था सब कुछ पा लिया जो प्राप्य था संसार में, पर क्षितिज पर देखा तो एक बादल में बनती आकृति, पर क्षितिज पर देखा तो एक बादल में बनती आकृति, कभी कुछ दिखे कभी कुछ दिखे, कभी कुछ दिखे कभी कुछ दिखे, कि जो हो रहा वो सत्य है या फिर कोई रहस्य है, जो हो रहा वो सत्य है या फिर कोई रहस्य है, और सांप रस्सी सा लगे या रस्सी ही ये सांप है, यूं धुंध में अनुमान सा कभी कुछ दिखे कभी कुछ दिखे। और रिश्तों के रेगिस्तान में, रिश्तों के रेगिस्तान में तुमने हथेली थाम ली, संतोष मन में छा गया विश्वास भी गहरा गया, पर दृष्टि जमाई ध्यान से मैंने जो तेरे मुख पे प्रिय, कभी कुछ दिखे कभी कुछ दिखे कभी कुछ दिखे। और एक और है कि इस पे ध्यान चाहूंगा कि हो कमजोरी जो लकड़ी में तो दीमक खा ही जाती है, हो कमजोरी जो लकड़ी में तो दीमक खा ही जाती है, और जिस्म जब खोखला हो तो बीमारी आ ही जाती है। हो कमजोरी जो लकड़ी में तो दीमक खा ही जाती है, जिस्म जब खोखला हो तो बीमारी आ ही जाती है, और जो इल्म दे दे वो लियाकत आ ही जाती है, और जो इल्म दे दे वो लियाकत आ ही जाती है, और हुकूमत हाथ में जो हो तो ताकत आ ही जाती है, हुकूमत हाथ में जो हो तो ताकत आ ही जाती है, और इंतहा जब हो जुल्मों की बगावत आ ही जाती है, इंतहा जब हो जुल्मों की बगावत आ ही जाती है, और जमी खाली हो सरकारी बसावट आ ही जाती है, जमी खाली हो सरकारी बसावट आ ही जाती है, और मुकाबिल अदबो दौलत हो, मुकाबिल अदबो दौलत हो गिरावट आ ही जाती है, मुकाबिल अदबो दौलत हो गिरावट आ ही जाती है, और जब शब्द जब मित्र बन जाए, शब्द जब मित्र बन जाएं लिखावट आ ही जाती है, शब्द जब मित्र बन जाएं लिखावट आ ही जाती है, और सहजता राह जो छोड़े बनावट आ ही जाती है, सहजता राह जो छोड़े बनावट आ ही जाती है, और तुले जो गणित में रिश्ते, तुले जो गणित में रिश्ते फलावट आ ही जाती है, तुले जो गणित में रिश्ते फलावट आ ही जाती है। और अंतिम समाप्त करूंगा कि आप संजीदा बहुत हैं क्या करें, आज के माहौल पे है कि आप संजीदा बहुत हैं क्या करें, मस्खरों की बज्म में रोया करें, आप संजीदा बहुत हैं क्या करें, मस्खरों की बज्म में रोया करें, और कैंचियों में ना जहर ना दांत हैं। वीर सर, कैंचियों में ना जहर ना दांत हैं, और सांप समझे आप तो समझा करें,
कैंचियों में ना जहर ना दांत हैं, और सांप समझे आप तो समझा करें, हो चुकी अफीम की खेती बहुत अब, हो चुकी अफीम की खेती बहुत अब, इस जमीन में बाजरा बोया करें, हो चुकी अफीम की खेती बहुत अब, इस जमीन में बाजरा बोया करें। और बिक गए घोड़े वो अब किसकी ललक है, बिक गए घोड़े वो अब किसकी ललक है, चंद घंटे तान कर सोया करें, बिक गए घोड़े को अब किसकी ललक है, चंद घंटे तान कर सोया करें। पर डर स्याह साए से लगा करता है हर सू, डर स्याह साए से लगा करता है हर सू, रुख इस तरफ भी आप तो गोया करें, रुख इस तरफ पे आप भी गोया करें। और नफरतों की कीच को अब तो बता दो, नफरतों की कीच को अब तो बता दो, कब तलक हम खून से धोया करें, नफरतों की कीच को अब तो बता दो, कब तलक हम खून से धोया करें। और अंतिम है, इस यज्ञ में मेरी भी संविधा मान लो, इस यज्ञ में, इस यज्ञ में मेरी भी संविधा मान लो, फिर जो लिखा हो हश्र वो होया करे, फिर जो लिखा हो हश्र वो होया करे। धन्यवाद।